What's up YouTube family? This is Abhinav Mahajan. स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. वो टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन. सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूविंग योर गट बैक्टीरिया. याद रखिए कि आपके पेट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर वो दोनों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं. जब अच्छे बैक्टीरिया क्वांटिटी में कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं, इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपने एंटीबायोटिक्स लिए हैं या इबोप्रोफेन लेते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी में, इनकी वजह से जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ है या बायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो उन बुरे बैक्टीरिया या बुरे बायोम की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से आप इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग फेस करते हैं, आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है. तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करें. अच्छे बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करने के दो सबसे अच्छे तरीके हैं. सबसे पहला है कि आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम करना शुरू करें, जैसे कि कर्ड या योगर्ट्स. ये जो है ये आपके प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं किसी अच्छे प्रोबायोटिक के साथ. आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपको गैस और ब्लोटिंग इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप किसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डॉक्टर से चेक करवाइए, और जो भी वो रिकमेंड करेंगे आपके लिए जो सूटेबल है आप प्लीज़ उसको शुरू कीजिए. नाउ द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न कि आपको इंडाइजेशन या ब्लोटिंग या लोगों को क्यों होती है, वो है फूड एलर्जेंस. आपको जानना है कि आपकी बॉडी में या इंटेस्टाइन्स में जो भी आप फूड्स खा रहे हैं, अगर उनसे किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी इंडाइजेशन और गैस की और ब्लोटिंग की. तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि आप अपनी डाइट में से सभी फूड एलर्जेंस को रिमूव कर दें. फूड एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है ग्लूटेन यानी कि वीट, वो हो सकता है सोए, वो हो सकता है मिल्क यानी कि लैक्टोस, वो हो सकता है पीनट्स. तो इन चार फूड एलर्जेंस को प्लीज आप अपनी डाइट में से रिमूव करें. एक बार आपने सभी फूड एलर्जेंस को बाहर कर दिया, आई कैन प्रॉमिस कि आपकी जब गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन इंप्रूव होगी कुछ ही हफ्तों में, तब आप धीरे धीरे इन सभी फूड एलर्जेंस को धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश करेंगे अपनी डाइट में. अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं, आई हाईली सजेस्ट यू गेट योरसेल्फ अ फूड एलर्जन टेस्ट डन. किसी भी अच्छे लेबोरेटरी से हो जाएगा. उसमें आपको एग्जैक्टली पता लग सकता है कि क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो ग्लूटेन है या लैक्टोस है या सोया है, इनमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं आपको एलर्जी कर रहे हैं और किन को रिमूव करने की ज़रूरत है. तो ये जो टेक्निक है आपको बहुत ही इजीली हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है कि आपको कौन कौन से जो फूड्स हैं अपनी डाइट में से रिमूव करने हैं. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गोइंग नेचुरल एंड होल फूड्स. प्लीज़ कोई भी चीज़ जो पैकेट के अंदर आ रही है, जिसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, प्लीज़ इनको अपनी डाइट में से रिमूव करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन और ब्लोटिंग के इश्यूज हैं. आपको होल एंड नेचुरल फूड्स खाने हैं. जो भी चीज़ ज़मीन में से आ रही है या जो नेचुरल है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खाने की ज़रूरत है. इवन कि अगर आप लिफ्ट करते हैं और अगर आप वे प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की, तो आप वे प्रोटीन्स को या तो बिल्कुल रिमूव कर दें, और वीगन प्रोटीन्स जो कि नेचुरल स्वीटनर्स के साथ आते हैं उनको इंट्रोड्यूस करें. वे प्रोटीन की क्वांटिटी रिड्यूस करने का या उसको एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हर वे प्रोटीन में सुक्रालोस होता है, और ये शो किया गया है कि जो सुक्रालोस है वो आपकी बॉडी में जाकर आपके अच्छे बैक्टीरिया को मारता है और बुरे बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन होती है. I always make sure कि I have also have a substitute which is a vegan protein which I have been using from last 4 months. Instagram पे अगर follow नहीं कर रहे हो पहले तो जाके करो, और अगर कर रहे हो तो you know I am using this brand called Ace Blend Vegan Protein. So guys, जैसे मैंने बोला कि आपने वो सभी चीज़ें avoid करनी है जिसमें किसी भी तरह की artificial चीज़ use हो रही है, artificial sweetener, preservatives, anything. अगर आप lift करते हैं आपकी protein needs ज़्यादा होती हैं, और आप अगर regularly whey protein use करते हैं, फॉर सम टाइम और फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप वे प्रोटीन की क्वांटिटी जो है कम कर दें. दैट्स वाई हाईली रिकमेंड कि यू गेट योर सेल्फ अ वीगन प्रोटीन विच इज़ नेचुरली फ्लेवर. अ बिग फैन ऑफ दिस ब्रांड नोन एज द एस ब्लेंड. सो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा है. इट हैज़ रियली इम्प्रूव्ड माई डाइजेशन, माई स्किन क्वालिटी, अ ग्रेट पोस्ट वर्कआउट रिप्लेसमेंट. वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स है, जैसे मैंने बोला कि फूड एलर्जेंस नहीं होने चाहिए, तो इट्स कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री, सोए फ्री, वीगन एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ लैक्टोस. इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स इज कि जो मोस्टली वीगन प्रोटीन्स होते हैं
उनमें या तो पी प्रोटीन होता है या राइस प्रोटीन होता है, उसमें क्या है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती एंड इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, लेकिन इसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इट्स कमिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन जो अमीनो एसिड प्रोफाइल को पूरा कर देता है एंड इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा दिस इज द ओनली वीगन प्रोटीन राइट नाउ अवेलेबल इन इंडिया कि जिसमें सिर्फ ना तो प्रोटीन है लेकिन इसके अलावा 10 सुपर ग्रीन फूड्स भी हैं, जिस तरह आंवला जूस एक्सट्रैक्ट, क्लोरेला, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, बार्ले ग्रास, स्पिनच, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, लाइकोपीन, ये सभी एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ये सभी जो सुपर ग्रीन्स हैं ये एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स, इवन कि आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, इनको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई हैव felt a huge difference in my health, in my overall energy levels just by using this. इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। They basically have two flavors, one is the lime, one is the chocolate flavor. Both are completely vegan and इसमें किसी तरह का artificial sweetener नहीं है, it's been sweetened completely by a natural sweetener called stevia. So अगर आपको digestion वगैरह के issues होते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप वे प्रोटीन को भी बंद कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं वीगन प्रोटीन के लिए। इफ यू लाइक द प्रोडक्ट यू कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम द वेबसाइट। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की और इस पॉइंट में सभी लोग गलती करते हैं, उनको हमेशा गलत एडवाइस मिलती है, वो है फाइबर कंटेंट। बहुत लोगों को जब इंडाइजेशन, गैस की, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई तू फाइबर नहीं खा रहा, तू फाइबर बढ़ा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि अगर आपको इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग होती है तो प्लीज अपना फाइबर कंटेंट है जो एक्चुअली कम कीजिए। बिल्कुल सही सुना, बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि कम कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आपको जो वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं गट की, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो गैस है, ब्लोटिंग है, इसका एक रीज़न है कि आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो चुका है और आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस इंडाइजेशन से फाइट करने के लिए। तो अगर आप फाइबर खाते हैं, फाइबर क्या करता है, आपकी डाइजेशन को और स्लो करता है। फाइबर कंटेंट को रिड्यूस कीजिए, ये जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स या एक्स्ट्रा फ्रूट्स आप खाने वाले हैं दैट्स गोना कॉज यू मोर हार्म। अनदर थिंग, फ्रूट्स आप, आई वुड से कि फ्रूट्स जो हैं स्किनलेस फ्रूट्स आप खा सकते हैं, वन सर्विंग इन अ डे वुड बी परफेक्टली फाइन। सो येस, रिड्यूस योर फाइबर इनटेक एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आपकी जो इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द रिड्यूस हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट्स। आई कैन प्रॉमिस यू कि जो भी सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ दे कैन इमेंसली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज करने की जरूरत है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट बनाएगा। जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो जो सप्लीमेंट है उनके एक सब्सटीट्यूट की तरह एक्ट करे और आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। सेकेंड इज यूजिंग ओमेगा 3। ओमेगा 3 का सबसे बड़ा फायदा है कि क्योंकि आपके बॉडी में इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन है फूड एलर्जेंस की वजह से, या आपने एंटीबायोटिक्स यूज किए हैं, इबुप्रोफेन यूज किया, किसी भी रीजन की वजह से वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके बाद जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो आपके एंजाइम्स बनाने में और आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस और आपके इंटेस्टाइन्स को हील करने में आपको हेल्प करने वाले हैं वो है जिंक एंड मैग्नीशियम सिट्रेट। 25 mg ऑफ जिंक एवरी सिंगल डे एंड 400 mg ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट एवरी सिंगल डे। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप इन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। इन सप्लीमेंट्स को लेने का सबसे बेस्ट टाइम है विद डिनर बिफोर बेड। आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप इन सप्लीमेंट्स के साथ रेगुलरली कुछ हफ्तों तक यूज करेंगे ऑल योर इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड गैस प्रॉब्लम्स एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स विल गो अवे। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज एलिमिनेट शुगर इन एनी वेज फ्रॉम योर डाइट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। शुगर जो है आपके बुरे बैक्टीरिया को फीड करती है और जैसा मैंने बोला अगर आपके बुरे बैक्टीरिया फीड हो रहे हैं तो अच्छे बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो कम होने वाली है और आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी। प्लीज़ कुछ हफ्ते, अगले कुछ हफ्ते, मे बी कुछ महीनों के लिए, एटलीस्ट 3 to 6 months कंप्लीटली एलिमिनेट प्रोसेस्ड शुगर या कोई भी चीज़ जिसमें शुगर है। प्लीज़ कुछ टाइम के लिए फ्रूट जूसेस को भी एलिमिनेट कीजिए बिकॉज वो भी एक शुगर की तरह ही एक्ट करेगा क्योंकि उसमें किसी तरह का फाइबर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फ्रूट्स को कंज्यूम करना ही चाहते हैं दिन में एक बार कीजिए, लेकिन होल फ्रूट कीजिए और विदाउट एनी स्किन। दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू कंज्यूम इन द बॉडी। अब गाइस, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। आई कैन प्रॉमिस यू कि आपकी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, IBS के इश्यूज जो है खत्म हो जाएंगे। IBS के ऊपर मैं और भी सीरीज बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको सीखने को मिला। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाल बटन पे क्लिक कीजिए, उसके साथ बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। आई एम डूइंग अ फ्री गिव अवे दिस मंथ, अ ह्यूज गिव अवे। आई एम गोना सी यू वेरी सून। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।